योगी राज में बेखौफ अवैध खनन का काला धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पर नियमों की अनदेखी करते हुए बालू का खनन किया जा रहा है और दबंगों की दबंगई इस कदर है कि पुलिस और अधिकारियों के आने की सूचना देने वाले गुर्गे लगे रहते हैं और वहीं दूसरी ओर अधिकारी कार्यवाही की बात तो करते हैं लेकिन कार्यवाही होती नहीं है। ऐसे में दबंग बालू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें, पूरी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महुआ क्षेत्र चरखारी के ग्राम अनघोरा ग्राम की है, जहां पर अवैध रूप से बालू खनन का कारोबार जोरों पर फल फूल रहा है। जिन्हें न पर्यावरण की चिंता और न ही नियम कानून की परवाह, बेखौफ होकर बालू का अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। आपको बता दें, ग्राम अनघोरा में दिन रात ट्रैक्टरों के आवागमन से ग्राम की सड़कें पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। साथ ही तेज रफ्तार से ट्रैक्टरों के आने जाने से ग्रामीण कई बार हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। इन अवैध खनन की वजह से ग्रामवासियों को इस तरह तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आखिर प्रशासन इस तरह से आंखें मूंदे होने की वजह का सबसे बड़ा कारण क्या है? बालू खनन को रोकने वाला कोई नहीं, ऐसे इनके हौसले बुलंद को देखते हुए नदी का सीना चीर कर अवैध बालू खनन कर रहे हैं, लेकिन अब तक इन पर किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है, जिस वजह से इनका अवैध धंधा जोरों से फल फूल रहा है। गाड़ी होती है तो उसमें पकड़े जाते हैं, FIR भी भाई इन लोगों, आपने पुलिस का अवगत कराया जी। अभी जी हुआ, खनन हो रहा है क्या? अभी खनन हो रहा है, चालू है। चालू है जी। मैं अभी वहीं से वीडियो बना के आया हूं सर, वहां पर चार ट्रैक्टर मैंने देखे थे, कंटिन्यू डेली आते हैं बातें हैं, जबकि ट्रैक्टर तो बहुत से होते हैं लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुनाई नहीं होती। तो आप इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? पुलिस को भेज के पकड़ाएंगे जो होगा, तो FIR होगी जिस पहले भी हुई थी। खनन वर्ग ये लगातार चल रहा है, 24 घंटे चलता है और लगातार ये कंप्लेन भी रोज आ रही है। हमारे पास रोज का कंप्लेन आ रही है, आपके पास आ रही है। वहाँ पर गांव वाले भी बहुत परेशान है, ट्रैक्टर जाते हैं, रोड खराब होते, सीधे ट्रैक्टर चलते हैं, ग्रामवासी तो काफ़ी शिकायत हैं सर। तो इसकी जांच कराई जाएगी और पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। पुलिस को निर्देश दिया जाएगा। आपको बता दें, प्रशासन की मिली भगत से अवैध खनन में मस्तक नदियों का सीना छलनी करने में लगे हुए हैं और प्रशासन ने भले ही कमर कसली हो लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि अवैध खनन का काम जोरों पर चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि खनन माफियाओं ने इस कदर से अपना जाल बिछाया है कि गरीबों की जमीनों से बालू निकालकर पूरी जमीन को तहस नहस कर दिया है। इस तरह प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है, जिससे खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमीरपुर महुआ से टाइम्स 80 न्यूज के लिए दीपक साहू की रिपोर्ट।